हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास कुछ आपको स्पेशल दिखाने के लिए है, तो चलिए देखिए। ये मेरे पास कैलेंडर पड़ा हुआ है, 2020 का एक कैलेंडर है, जो अब इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चेंज करें, कि इतना बढ़िया सा ये है, मुझे वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है इसको, तो इसे हमें रीन्यू करना है। तो जहाँ पर मैं कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगाऊंगी, और पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। तो क्ले वर्क है, मेरे पास क्ले पड़ा हुआ है, क्ले वर्क हम पहले दिखाते हैं, फिर पेंटिंग भी दिखाएंगे कि कैसे इसको हम डे वाइज पेंटिंग करें। संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फॉर ऑल 7 डेज 7 पेंटिंग्स आई विल मेक, एंड आई विल पेस्ट इट ऑन दिस, सो दैट दिस विल रीन्यू एंड यू कैन कीप इट ऑन माई टेबल। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले इस क्ले को मिक्स कर लेते हैं। इसीलिए क्ले, टैल्कम पाउडर और फेविकोल की ज़रूरत है। ये हमने कुछ पेटल्स बना लिए फ्लावर के, और इसको बीच में पेस्ट करें। डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने ये सिंपल डिज़ाइन बनाया जो आपको पसंद आएगा, आप भी आसानी से इसको बना सकते हैं। स्केच पेन के कैप से मैंने बीच में इंप्रेशन बना लिया आगे पीछे से। ये कुछ लीव्स बन रहे, छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं क्ले के, और लीव्स का इंप्रेशन दिखा रहे सिंपल शेप दे करके। फिर बीच में नाइफ से मैंने कट कर दिया हल्का सा लीव्स के इंप्रेशन दिखाने के लिए, और थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे कर्व करके, जैसे लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट ना दिखे, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखे, नेचुरल लुक लाने के लिए। स्टेम के लिए लंबी सी कॉइल बना लेते हैं। फिर इसे हम सब पेस्ट कर देंगे इसमें। साइड के पिलर्स को डेकोरेट करना है, तो कॉइल बना के हमने इस पर रैप कर दिया। रैप करने के बाद फिर कुछ इस पर लीव्स लगा देंगे। ऊपर में छोटे छोटे गोले बना करके लगा देंगे डिजाइन के लिए। ये रेडी हो गया क्ले वर्क। अब इसमें हमें कलर करना है। मैंने ब्राउन कलर लिया बर्न सियाना, बट कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, तो हमें ब्लैक मिक्स करना है इसमें। ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन दे करके इसको मार्बल लुक लाना है। फिर लास्ट में गोल्डन टच देकर फाइनल फिनिश। देखते हैं कैसा लुक आता है। ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो गया, देखिए डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन। थोड़ा ब्राउन टच देकर के ये मार्बल लुक हमने शो कर दिया। अब इस पर ये गोल्डन टच दे दिया ऊपर से, स्पॉन्ज से हल्का हल्का टच करके गोल्डन। हाँ, ये पेंटिंग्स मैंने छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई, इसका अलग से वीडियो हम बनाए हैं सारी पेंटिंग्स का,
और इस पेंटिंग्स को मैंने इस पर पेस्ट करके अब इस रॉड के अंदर इसको हमें डाल देना है। चलिए देखते हैं, पुराने कैलेंडर से मैंने निकाल लिया संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और ये मैंने स्टिक कर दिया इस पर और ये डे वाइज कैलेंडर हो गया। ये ऐसा नहीं कि इस साल आपका यूज़ करने के बाद वेस्ट हो गया, इसको हम नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, ऐसे टेबल पे आप डेकोरेट करिए अपने संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ऑल सेवन डेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।